इसके लिए मोदी जी को 3 बार सैल्यूट है, आई लव यू मोदी, आई लव यू, क्योंकि मैं बीजेपी विरोधी हूँ। तभी तो कह रहा हूँ आज आई लव यू कह रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग रोजगार के लिए लड़ते हैं मोदी जी से, महंगाई के लिए लड़ते हैं, उसके लिए विरोध कर। एक मिनट, ये देखिए, ये है खुराना साहब, चंट मंट रहते हैं व्हाइट कपड़े पहनकर, और प्योर बीजेपी के विरोधी, प्योर जो 100% DNA इनका बीजेपी के विरोध में रहता है, और आज आई लव यू कह रहे हैं। एक 2000 का नोट बंद होते ही, एक बार नहीं हजारों बार मोदी को, अगर ये आने वाले टाइम में 500 नोट भी बंद कर दे तो हमारा ये करप्शन ही खत्म हो जाएगा। मैं मोदी जी का साथ दूंगा इसमें, इस मामले में मैं उनके साथ हूँ। 2000 के नोट ना ये मोदी जी ने कर तो दिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। ये पैसा निकलेगा नहीं, ये जो भ्रष्टाचारी होते हैं ना, ये गोल्ड में 50 करोड़ रुपए लगा देते हैं, 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में लगा देते हैं। ये 2000 रुपए का जो नोट बंद करा है, मैं पहले विरोध कर रहा था इनका नोटबंदी का, आज भी उस दिन को याद करो, क्योंकि गरीब आदमी मरा। इस टाइम कोई गरीब आदमी नहीं मरेगा, इस टाइम पे पड़ेगा भ्रष्टाचारी जो 20% ब्याज पे पैसा चलाते हैं, करप्शन करते हैं, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं, 2.5 करोड़ रुपए ब्लैक और व्हाइट करते हैं कि 2.5 करोड़ रुपए मैं कैश दूंगा और 2.5 करोड़ रुपए के कागज कराऊंगा टैक्स पेड को। ये गवर्नमेंट को आने वाले टाइम में, चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। टैक्स पेड जो है लोग वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। ये कहने का आम आदमी पे क्या असर है 2000 के नोट बंद होने का? आप कह रहे हैं कि खरबों अरबों, आम आदमी पे कोई असर नहीं है, कोई इतना पैसा किसी पे है नहीं, कोई इतना पैसा किसी पे इतना है नहीं जो आज आदमी पे। ये है कि अब लोग, अभी बंद तो हुआ नहीं है लेकिन अब लोग लेना बंद कर देंगे, अब वो पैसा बैंक में जाएगा। ये आम आदमी पे असर है, बैंक में लाइन लगानी पड़ेगी, अपना काम छूटेगा, सारे काम आम आदमी पे असर है और किसी पे असर है? पैसा वाला तो अपना नोट करा ही लेगा, पैसे ले दे करा लेगा, लेकिन आम आदमी पे असर है ये सारा। अब आम आदमी बैंक में जाकर लाइन लगाएगा, थोड़ा बहुत उस पर है भी। बीस हजार रुपए के भी नोट नहीं होंगे भाई साहब मेरे घर में, तो है 20,000 आपके पास भी है? हाँ, 50,000 हो भी सकते हैं, ऐसी बात। 2 दिन में चेंज करा लेंगे ना, तो ऐसा 100 में ऐसा नदीम जी ऑनलाइन हो रहा है, आपके पास 50,000 रुपए, आपके पास 50,000 रुपए, हर आदमी के पास 50,000 नहीं है, किसी की सैलरियां इतनी नहीं है जो कि वो बदलवाने जाए। मैं ये कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ी लाठी भ्रष्टाचारियों पे पड़ेगी, जो इनकम से चोरी करते हैं और जो 2 नंबर के काम करते हैं रिश्वतखोरी, उनके ऊपर खराब पड़ेगी। अब जैसे हमारी दिल्ली पुलिस है भाई साहब, मैं रिश्वत 1 करोड़ रुपये महीना आती है, क्या चाहिए? ऑनलाइन कैसे करोगे? अब यह चीज़ों पर पड़ेगी चोर। आप नरेंद्र मोदी जी के लिए अनपढ़ गवार जेल जैसी बातें करते, आपको शर्म नहीं आती? आप IP ऑफिसर है, पढ़े लिखे इंसान है, हम अनपढ़ खबर है, हमारे मुंह से कुछ भी निकल सकता है, मगर आपको लैंग्वेज हो। अब किस पद में CM है, दिल्ली के CM है, वो देश के प्रधानमंत्री जी है। हम विरोधी, हम बार बार करें, हम नरेंद्र मोदी जी से एक विरोध करते हैं, रोजगार पे विरोध करते हैं, महंगाई पे विरोध करते हैं, हमारा हक है विरोध करने का, मगर हम बदतमीजी नहीं कर सकते उनके साथ। आप लोग नरेंद्र केजरीवाल जी अभी तक कह रहे थे मेरे हाथ में यार पावर नहीं है, सारे काम LG के हाथ में, अब तो इनके हाथ में पावर है। फिर अध्यादेश ले आए सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, रात को 11 बजे अध्यादेश आया है कि फिर से LG के हाथ में सारी पावर दे दी है, मतलब मोदी जी की, केजरीवाल तो है। रात को 11 बजे अध्यादेश आया है, ना इन्हें पता है ना इन्हें पता है, रात को LG सारी पावर फिर LG के हाथ में दे दी है। इसका क्या मतलब है? कि यही मतलब है कि मोदी जी की केजरीवाल से फिर गई है। सुनिए, क्या नाम है? मेरा नाम नदीम है। नदीम, अध्यादेश पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ा है। क्या है थोड़ा बताएं? जो अध्यादेश ये है कि जो ट्रांसफर की जो वो थी, जैसे ये अधिकारी को ट्रांसफर था, फिर वो LG के हाथ में दे दिया है वो सारा। कैसे थुप, क्या है उसमें थोड़ा बताइए? मतलब जो इन्होंने जो ट्रांसफर जो करने सारा जो दे दिया था वो केजरीवाल के हाथ में दे दिया, अधिकारी को ट्रांसफर केजरीवाल कर सकता है।